इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ ये मुर्गा लग जाए, आप इसका क्या करेंगे? टंगड़ी कबाब या दम बिरयानी या फिर लजीज मुर्ग दो प्याजा? वो मुर्गा जब हमारे हाथ लगा तो पता है हमने उसके साथ क्या किया? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि फार्म के सदस्यों का उसके बारे में क्या ख्याल है। ये चूचू ने चूचू महाराज है, इसको पता है कि ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है। जब भी एनिमल एरिया आता है कुछ काम करने नहीं देता और सबको परेशान करके रखा है इसने। यार उसके एरिया में जाने से बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है अभी चोट मार देगा। चूचू महाराज एक ऐसे मुर्गे हैं जिन्हें इंसानों की तरह अपनी पर्सनल स्पेस काफी पसंद है। अपने लिए स्पेस पूरा चाहिए पर दूसरों को बिल्कुल भी स्पेस नहीं देगा वो। चूचू पांव के बीच में मत आया कर, कितनी बार बोला तुझे। सबको अपने पीछे नचवाता ही रहता है। सिर्फ यही नहीं, चूचू एक ऐसा मुर्गा है जो ट्रेंड भी है और खुद को खतरों का खिलाड़ी समझता है। वो बेधड़क होके अपनी फोटोज खिंचवाता है और डॉग ट्रीट्स खाता है। लवीन भैया खाना लेके जा रहे थे हमारे डॉग्स के लिए, किबल्स थे उसमें, और ये चूचू बेगैरत ने सारे गिरा दिए अपने बेनिफिट के लिए और अभी उठा उठा के डॉग ट्रीट्स खा रहा है। पर चूचू की लाइफ हमेशा इतनी फन नहीं थी। चूचू और उसके तीन भाई बहनों को किसी ने लुधियाना में एक पेट बेचने वाले से खरीदा था। अक्सर छोटे छोटे चूजों पर अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे खतरनाक केमिकल्स वाली डाई लगाकर उन्हें आकर्षक रंगों का बनाया जाता है और खिलौने की तरह बेचा जाता है। डाई के ये केमिकल्स उनके लिए इतने खतरनाक होते हैं कि कुछ ही समय में चूजों की मौत हो जाती है और ये सब इलीगल पेट ट्रेड का हिस्सा है। चूचू के भाई बहनों ने भी इसी वजह से दम तोड़ दिया था। लकीली चूचू बच गया, तभी रोहित जी और उनका परिवार उसे रेस्क्यू करके यहाँ ले आए। चूचू अब यहाँ फार्म पर है जहाँ ये सेफ है और शायद खुश भी। हाँ वो अलग बात है कि कभी कभी अपने एटीट्यूड के कारण बाकियों से लड़ाई झगड़ा कर लेता है। चूचू से जब कोई मिलता है, उसे जानता है, तो वो ये रियलाइज करता है कि उसका भी अपना एक कैरेक्टर है, उसमें भी जान है, उसे भी दर्द होता है। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमने उस चूचू का क्या किया। हमने उसका खाना बनाया नहीं, हमने उसको खाना खिलाया, क्योंकि पेट तो हम कुछ भी खा के भर ही लेते हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति तभी होती है जब हम किसी की हेल्प करते हैं।